मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश क्लास थर्ड। द चैप्टर नेम, चैप्टर थर्ड, द बर्ड टॉक। दिस इज अ पोएम। दिस इज द क्लास थर्ड इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर थर्ड द बर्ड टॉक इज अ पोएम। टू बर्ड्स टॉक टू वन अनदर। One bird's name is Robin and the second bird's name is Jay। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास थर्ड में, इंग्लिश जो क्लास थर्ड में जो चैप्टर थर्ड है जिसका नाम है बर्ड टॉक या पोएम है, इसको पढ़ाने के लिए आया हूँ। इसमें दो चिड़िया हैं आपस में बात कर रही हैं। एक चिड़िया का नाम क्या है? एक चिड़िया का नाम है रॉबिन, एक चिड़िया का नाम है जय। तो देखिए वो चिड़िया आपस में क्या बात कर रही हैं, किस तरह से हम मानव को जो है, जिस हम इस समाज में रहते हैं, जितने भी मानव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको किस तरह से वह बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वह एक गार्डन बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर रही है। तो यह चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड बर्ड टॉक का एक फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ, इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोयम, थिंक सैड रॉबिन। रॉबिन नाम की जो चिड़िया है वह कह रही है, सोचिए, थिंक सैड जॉय। जय नाम की जो चिड़िया है वह कह रही है कि सोचो। रॉबिन नाम की चिड़िया कह रही है कि सोचो, और जय नाम की चिड़िया कह रही है सोचो। सीटिंग इन द गार्डन, एक गार्डन में, एक बगीचे में बैठकर, टॉकिंग वन डे, एक दिन आपस में बात कर रही है, ठीक है। यह देखिए फर्स्ट वाले चार लाइन में रॉबिन कह रही है सोचो, जय कह रही है सोचो, एक बगीचे में बैठकर वह एक दिन आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? थिंक अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, जिस रास्ते को वो बना रहे हैं, हम लोग मतलब मानव जिस रास्ते को बना रहे हैं उसके बारे में सोचो। दे डोंट हैव फीदर, उनके पास पंख नहीं होते हैं। चिड़िया बात कर रही है कि हम मानवों के पास क्या नहीं होता है? पंख नहीं होता है। एट आर यू नो, जैसा कि अब तक हम जानते हैं, चिड़िया कह रही है कि हम जानते हैं कि इन मानवों के पास पंख नहीं होते हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो सेकेंड वाले पैराग्राफ में वे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि लोगों के बारे में सोचिए, जो रास्ता खुद बनाते हैं उनके पास पंख नहीं होते हैं, हम लोग आपस में जानते भी हैं कि उनके पास पंख नहीं है, ठीक है। इन द थर्ड स्टेंजा, दे डोंट ईट बीटल, वो चिड़िया आपस में बात कर रही है कि जो पीपुल है, जो लोग हैं इस दुनिया के, जो लोग हैं वो बीटल नहीं खाते हैं। बीटल मीन्स होता है चिड़ियों का भोजन, जो चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती हैं, इसको भृंग बोलते हैं। तो वह आदमी कहाँ खाता है? तो आदमी नहीं खाते हैं। तो वो चिड़िया कह रही है कि वह बीटल, यानी जो चिड़ियों का भोजन है, जो कीड़े मकोड़े हैं या पीपुल, इस दुनिया के लोग नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, और वे उनके पंख नहीं होते हैं, वो पंख नहीं उगा सकते हैं। इस दुनिया के लोग हम लोगों की तरह, हम लोग चिड़िया हैं, चिड़ियों की तरह पंख नहीं उगा सकते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड द थिंग्स, और वे चिड़िया फिर आपस में बात कर रही हैं कि जो इस दुनिया के लोग हैं वे बैठ नहीं सकते हैं तारों पे और कुछ वस्तुओं के ऊपर। तार जो होता है, बिजली का तार या कोई भी खम्भे का तार, उसके ऊपर चिड़िया बैठती है। चिड़िया कह रही है कि हमारी तरह जो इस दुनिया के लोग हैं, पीपुल हैं, वह तार पे नहीं बैठ सकते, छोटी छोटी वस्तुओं पे नहीं बैठ सकते हैं। एंड लास्ट स्टेंजा, थिंक सैड रॉबिन, रॉबिन फिर बोल रहा है कि सोचिए, थिंक सैड जय, जय फिर बोल रही है सोचिए। आर नॉट पीपुल फनी, क्या इस दुनिया के लोग फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है, एज ए लाइक जोकर नहीं है? टू बी दैट अवे, जो कि हमें दिखते हैं उनके रास्ते में, जो करते हैं, जो हमें दिखते हैं, क्या वो फनी नहीं है? एट लास्ट
इन कंक्लूजन और चिड़िया हम लोगों को मतलब इस दुनिया के पीपल को एक फनी समझ रहे हैं, मजाकिया समझ रहे हैं, जो हम कर सकते हैं इस पीपल जो दुनिया के लोग हैं वो नहीं कर पाए। ठीक है, ये तो रहा आपका पोयम द बर्ड टॉक की चिड़िया आपस में क्या बात कर रहे हैं गार्डन में बैठ कर। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। फीदर मीन्स पंख, बीटल मीन्स ब्रिंग, पक्षियों का भोजन जो कीड़े मकोड़े में खाती हैं, वार मीन्स तार। ये तीन हार्ड वर्ड्स हैं, बस इन तीन हार्ड वर्ड्स को आप जान लीजिए तो इस पोएम का जो है आप एक्सप्लोरेशन अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह तो रहा पार्ट फर्स्ट चैप्टर थर्ड का बर्ड टॉक का, जो इंग्लिश का जो चैप्टर है क्लास थर्ड में इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कोरोना भरे माहौल में अपने घर में होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सुरक्षित रहें, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैनल आरजू मिशन टेक में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।